हम सभी आकाशवाणी के जो कलाकार हैं वो काफी दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए, लेकिन इसमें कई बार बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो रही है। जब से ये नियमितीकरण का जो मामला है न्यायालय पहुंचा है, तब से विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना इन सभी प्रार्थियों को करना पड़ रहा है। ये परेशानियां कौन खड़ी कर रहा है, ये जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी परेशानियां और किस वजह से आ रही हैं। खास तौर से वो साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें जो लोग इन दिनों P5 की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट नया कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों की परिस्थितियों से जो लोग जूझ रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करें कि आखिर न्यायालय में जाने के बाद जो बदला गया है कॉन्ट्रैक्ट, इससे हमारे दावे पर क्या फर्क पड़ेगा और अगर हमने इस पर साइन कर दिया तो क्या हो सकता है। ऑल इंडिया रेडियो भारत की सरकारी लोक प्रसारक रेडियो सेवा है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और आजादी के बाद से हम इसे आकाशवाणी पुकार रहे हैं। आकाशवाणी में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रमवार प्रस्तुत करने का काम करते हैं उद्घोषक और कंपियर, जो हर कार्यक्रम या गीत के बीच में उस कार्यक्रम, गीत, श्रोताओं के नाम या उससे जुड़ी बातों को रोचक तरीके से पेश करते हुए प्रसारण की नियमितता और श्रोताओं की रुचि को बनाए रखते हैं। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में शुरुआत से ही उद्घोषक कंपियर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन के ये दोनों विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित हुआ करते थे, जब परमानेंट अनाउंसर की पोस्ट भी हुआ करती थी और कुछ लोग डेली वेजेस और कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर अनाउंसमेंट के लिए रखे जाते थे। महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, युवाओं, बच्चों के लिए प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों को कंपेयर करने वाले प्रस्तुतकर्ता को अनाउंसर नाम दिया जाता था। इन लोगों को नाटक प्रभाग के लिए तैयार किए हुए P5 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता रहा। एक महीने में 6 और साल भर में 72 ड्यूटीज से ज्यादा न दिए जाने का प्रावधान था इन कैजुअल अनाउंसर्स और कंपियर्स के लिए। ये क्रम तब भी चलता रहा जब प्रसार भारती का निर्माण हुआ। ये कैजुअल अनाउंसर और कंपियर्स दरअसल असाइनीज थे। असाइनीज यानी कि एक असाइनमेंट पर काम करने वाले उद्घोषक और कंपियर। अब यदि किसी कैजुअल अनाउंसर को एक कार्यक्रम प्रोडक्शन का काम दिया गया जिसमें उसको बाहर से रिकॉर्डिंग करके लानी है, एडिटिंग करनी है, तो कई बार एक प्रोग्राम बनाने में 7 दिन का समय भी लग जाता था, लेकिन इसके लिए मानदेय एक ड्यूटी का ही दिया जाता रहा। प्रसार भारती की नीति के अनुसार 25, 27, 30 साल पुराने कैजुअल अनाउंसर्स और कंपियर्स को न कभी सीनियोरिटी या एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया गया और न ही कभी ये कहा गया कि आप यहाँ पर 3 या 5 साल के लिए काम करने के अधिकारी हैं। हर अनाउंसर या कंपियर 3, 4, 5, 6 ड्यूटीज करते रहे और लगातार 27-30 सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़े रहे। इन अनुभवी लोगों का अधिकारी पूरा फायदा लेते रहे। कहीं कहीं 6 ड्यूटीज के बदले ये अनाउंसर्स महीने भर जाकर आकाशवाणी के सारे काम निपटाने में अधिकारियों की मदद भी करते रहे। हर दिन हर कार्यक्रम की प्रस्तुति पर अधिकारी इन कैजुअल अनाउंसर्स और कंपियर्स को ग्रेडिंग भी देते रहे। और फिर अचानक आया एक दिन रीस्क्रीनिंग का ऑर्डर। बरसों से काम कर रहे इन लोगों की प्रतिदिन होने वाली मॉनिटरिंग के बावजूद क्या इनकी आवाज़ खराब हो गई है, ये चेक करने के लिए रीस्क्रीनिंग करने का प्रावधान किया गया, जिसमें करीब करीब हर किसी को पास कर दिया गया। सामान्य कैजुअल अनाउंसर्स और कंपियर्स ने इसको एक आम बात समझकर पहली बार तो रीस्क्रीनिंग दे दी, दूसरी बार थोड़ा विरोध किया, लेकिन तीसरी बार 3 चरणों में ऑडिशन, वॉइस टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर 5 से
30 साल पुराने कैजुअल अनाउंसर्स कंपेयर्स को निकालने का षड्यंत्र रचा गया। अनाउंसर्स और कंपेयर्स का नाम बदलकर एसआईनी नाम रखने की नीति बना दी गई। हर दो साल में इन एसआईनीज की रीस्क्रीनिंग किए जाने की नीति इसमें शामिल थी। पुराने कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर्स ने जब इसका विरोध किया, कोर्ट से स्टेटस को का ऑर्डर लेकर आए, तो अधिकारियों ने इन अनाउंसर्स को ड्यूटीज देनी बंद कर दी और साथ ही कहा कि परसों से साइन करते आ रहे P5 कॉन्ट्रैक्ट की जगह एसआईनीज वाले P1 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, तभी इन लोगों को ड्यूटीज दी जाएंगी। कोर्ट से यथास्थिति प्राप्त करने के आदेश के बावजूद अधिकारियों का ऐसा करना, इन कैजुअल अनाउंसर्स को एसआईनीज बनाना एक चाल है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के कैजुअल आर्टिस्ट का एक जैसा ही जो P5 कॉन्ट्रैक्ट था, वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति की ओर से केंद्र द्वारा जारी होता था। इसकी सेवा शर्तें भी एक जैसी थीं। लेकिन अब P1 कॉन्ट्रैक्ट बहुत सी शर्तों को बदल दिए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि कोर्ट गए हुए सारे कैजुअल अनाउंसर्स और कंपेयर्स के लिए P1 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन लगातार षड्यंत्र कर रहे अधिकारियों की इस बारे में क्या मंशा है, ये संदेह की स्थिति रही कैजुअल अनाउंसर्स और कंपेयर्स के बीच। कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर्स को जबरदस्ती एसआईनी का ठप्पा लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आए एक ऑर्डर के तहत जिसमें 2007 के पहले के अधिकारियों कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा पेमेंट और उसके बाद के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रसार भारती द्वारा पेमेंट दिए जाने की बात है, उसके तहत ऐसा किया जा रहा है जिससे सारे कैजुअल अनाउंसर्स, कंपेयर्स, एसआईनीज प्रसार भारती के अंतर्गत शामिल हो जाएं, इस बारे में संदेह की स्थिति कायम है। देश भर के केंद्र के अधिकारी पूरी कोशिश में हैं अपने यहाँ के हर प्रस्तुतकर्ता को P1 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए, क्योंकि महानिदेशालय और प्रसार भारती से ऐसे ऑर्डर्स आए हुए हैं, जबकि हर कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर P1 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कतई तैयार नहीं है, जिसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कोटा केंद्र इसी आंदोलन के तहत रिले सेंटर बना दिया गया है। संदेह की स्थिति आज भी कायम है। दरअसल प्रसार भारती और आकाशवाणी के अधिकारियों और कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स की नजर में कोर्ट के यथास्थिति ऑर्डर का मतलब शायद अलग अलग है। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आप तक सीधे पहुंच जाएंगे बिल्कुल मुफ्त।